बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि नर्सिंग के कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, नर्सिंग के कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और वो एग्ज़ाम कब होते हैं। इस तरह का डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। सो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। नर्सिंग, पहली बात तो आप ये जानो, नर्सिंग कई तरह का कोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग सिर्फ एक ही कोर्स है, ठीक है। पहली बात आपको यही जाननी होगी, नर्सिंग होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, फिर होता है आपका एएनएम, जीएनएम। ये सारे आपके नर्सिंग के कोर्सेज हैं जो कि ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद आपको देने होते हैं। लेकिन जो पोस्ट बेसिक वाला है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, उसमें क्या होता है, उसमें कम से कम आपको एएनएम या जीएनएम किया हुआ होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक दे सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो, ये चार तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके लिए पहले से ही एएनएम या जीएनएम करके उसमें जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी डिग्री थोड़ी सी ऊपर है। उसके बाद अगर ट्वेल्थ पास आउट के बाद तुरंत करने वाला है कोई, तो वो है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, एएनएम और जीएनएम। और इन तीनों में से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स सबसे अच्छा है, उसके बाद आता है जीएनएम, उसके बाद आता है एएनएम। अगर आप इन तीनों का कंपैरेटिव वीडियो देखना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में कंपैरिजन करके रखा है, आप इसे देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अब इसके एग्ज़ाम्स की बात आती है। अब क्योंकि चार तरह का नर्सिंग का कोर्स है, तो एग्ज़ाम्स भी जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। उनमें से कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो नीट का एग्ज़ाम होता है। इसी साल से नीट के एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। और नीट के थ्रू टोटल 9 कॉलेज आते हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। प्लस एक और फ़ायदा होता है कि एमएनएस में एडमिशन आपको मिलता है। एमएनएस में टोटल 6 कॉलेज अलग से होते हैं, लेकिन एमएनएस का जो स्टेप्स है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। पहले आपको नीट पास करना होता है, फिर एमएनएस का एग्जाम, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, तब जाके आपको एमएनएस बीएससी नर्सिंग मिलती है। सो, बड़ा टफ होता है, ठीक है। लेकिन आप जाना चाहो तो आपको नीट का एग्जाम देके ही जाना होगा, क्लियर। अब नीट का एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है? तो एग्ज़ाम फॉर्म आपका फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में निकल जाता है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो मई के पहले हफ्ते के में पड़ने वाले संडे को होता है। इस बार 4th of May को एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, ठीक है। सो, सबसे जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका नीट ही है, लेकिन इसमें कॉलेज कम आते हैं। सो, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर कि हाँ, हमारा बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो आप नीट का एग्ज़ाम दें। अगर आपका मतलब पढ़ाई बहुत ही कम स्तर की है, अभी आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो भर दो। लेकिन आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है नर्सिंग के लिए, वो है एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एक एग्ज़ाम होता है, और एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का एक एग्ज़ाम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोस्ट बेसिक करने के लिए आपका पहले जीएनएम या एएनएम होना ज़रूरी है। सो, ट्वेल्थ के तुरंत बाद आप इसे नहीं दे पाओगे। बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की। तो ये जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़के उसमें नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है, लड़के उसमें नहीं जा सकते। ऐसे ही नीट वाले में जो एमएनएस है, उसमें लड़के नहीं जा सकते। सब पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे कोई भी टॉपिक का वीडियो ढूंढना चाहो तो आप टाइप कर सकते हो एमएनएस स्पार्कअप क्लासेस, या आप टाइप कर सकते हो एम्स प्लेलिस्ट स्पार्कअप क्लासेस, तो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। सो, एम्स नर्सिंग ऑनर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, और इसके जो फॉर्म है वो भी आपके मार्च में आ जाते हैं। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई के लगभग हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली जून में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, लास्ट जून तक, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है जिससे आपको एडमिशन मिलता है, वो है CUET। CUET के थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन देते हैं। गवर्नमेंट तो नहीं आते इसमें, गवर्नमेंट इक्के दुक्के ही कॉलेज हैं, लेकिन प्राइवेट मेजरली आते हैं इसमें। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आप चाहे जहाँ से बिलोंग करते हो, चाहे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप CUET UG का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके थ्रू भी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भी मार्च में आता है, और मई में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है।
इसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। जैसे अगर मैं यूपी स्टेट का बताऊं तो यूपी में सी नेट एग्ज़ाम होता है। सी नेट एग्ज़ाम से आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है और यूपी के टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी एडमिशन मिलता है, यूपी के टॉप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। अगर कोई बाहर का बच्चा इस एग्ज़ाम को देना चाहता है तो सिर्फ उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। कोई अगर यूपी का बच्चा देता है तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए एलिजिबल है। जिस हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से एडमिशन होगा, ठीक है। इसके फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म जो है वो आपका अप्रैल में लगभग आ जाता है और आपका एग्ज़ाम जो है वो मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं CP NET। CP NET भी यूपी का, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है जिसमें आपको ANM, GNM और बी फार्मा में एडमिशन मिलता है। तो बी फार्मा की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ANM, GNM में एडमिशन लेना है यूपी में तो आपको CP NET का एग्ज़ाम देना होता है। और एक और एग्ज़ाम होता है यूपी में, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी GNM एग्ज़ाम होता है, वो भी आप दे सकते हो। हालांकि इस साल वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है, लेकिन बाकी साल होता था। तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भी आपका जून में आता है या जुलाई के स्टार्टिंग में आएगा और 15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होता है। इसी तरह हर स्टेट का अलग अलग है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो RUHS नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो व्यापम एग्ज़ाम होता है। अलग अलग ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं हर स्टेट में, तो अपने स्टेट का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर बात करें कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए सही होगा, तो सबसे पहली बात, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप नीट, ठीक, प्लस आप एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दो अगर आप लड़की हो। अगर आप लड़के हो और आपको नर्सिंग करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दो और CUET का एग्ज़ाम दो, ठीक है। और लड़की हो तो नीट और एम्स ज़रूर देना है, प्लस साथ में CUET और अपने स्टेट का एग्ज़ाम, यानी कि आप लोग को चार एग्ज़ाम देना सही रहेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, अगर आप एक गर्ल हो, लड़की हो, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, आपके लिए चार एग्ज़ाम देना सही रहेगा ताकि आप सिक्योर रहो, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाए। पहला है नीट, क्योंकि नीट में जो मैक्सिमम कॉलेज आ रहे हैं और जो MNS आ रहा है वो लड़कियों के लिए होता है। खाली एक दो कॉलेज हैं बॉयज़ के लिए, जो कि है BHU और दूसरा है BMHRC। इसी दोनों में इस साल बॉयज़ को एडमिशन दिया गया है, बाकी जगह नहीं दिया गया है। अगले साल कुछ ऐड करते हैं तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल तक तो यही दो कॉलेजेस हैं। सो दो कॉलेजेस के लिए अलग से एक फॉर्म भरो, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम है एम्स नर्सिंग, एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स, तो ये सिर्फ लड़कियां ही दे सकती हैं, लड़के तो दे नहीं सकते। लड़के पोस्ट बेसिक वाला दे सकते हैं और 12th पास के तुरंत बाद आप पोस्ट बेसिक दे नहीं पाओगे, इसलिए लड़कों को मैं एम्स वाला सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। तीसरा एग्ज़ाम CUET का, कि मान लेते हैं ये दोनों एग्ज़ाम टफ होता है तो CUET वाला एक सिक्योरिटी की तरह आपके लिए रहेगा कि इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन ले लोगे प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। चौथा अपने स्टेट का एग्ज़ाम, अपने स्टेट का एग्ज़ाम देने से ये होता है कि सिर्फ आपके स्टेट के बच्चों से कॉम्पिटिशन रहेगा और वहाँ पे सीट्स भी आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे। सो ये चार एग्ज़ाम लड़कियों को देना चाहिए। लड़के अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो लड़कों को BSc नर्सिंग करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि अगर बहुत अव्वल लेवल की तैयारी है तो वो नीट का एग्ज़ाम दे, अदरवाइज़ ना दे, ठीक है। तो दो सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम है बॉयज़ के लिए वो है CUET एग्ज़ाम और अपने खुद के स्टेट का एग्ज़ाम। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम कराते हैं बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लड़के और लड़कियां दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है CNET एग्ज़ाम के थ्रू। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को ही के लिए ही नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे केस में आप दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। या फिर आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ से आपको एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपके लिए इससे बेटर रहेगा कि आप पैरामेडिकल का कोर्स करो। जो सही बात थी वो मैंने आपको बता दी, अब आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हो। मैंने एग्ज़ाम डेट्स भी बता दी, एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में भी बता दिया और नर्सिंग के बारे में आपको जानकारी भी दे दी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हो कि स्टेट वाइज, यानी कि हमारे स्टेट का कौन सा BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो मैंने इस वीडियो में सारे स्टेट का BSc नर्सिंग एग्ज़ाम बता दिया है, स्टेट वाइज BSc नर्सिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। यानी कि सभी के सभी नर्सिंग के एग्ज़ाम मैंने बता दिए कि कौन से स्टेट में कौन सा होता है, क्लियर। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और आप अगर नहीं मिल पाता है, आपको नहीं ढूंढ पाते हो, तो आप सिंपली YouTube पे टाइप कर सकते हो स्टेट वाइज BSc नर्सिंग एग्ज़ाम स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट में मेंशन करो, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे,
क्लियर। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। और कमेंट्स मिलने में, कमेंट्स का रिप्लाई मिलने में 1-2 दिन का डिले मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर रिप्लाई, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।